समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक एवं प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सपा के व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धा जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अनुसरण और उनके बताए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर उनके साथ व्यापारी वर्ग के तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते वे बताया कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र सपा के ध्वजवाहक एवं प्रेरणा स्रोत थे। वे 7 बार मंत्री और अनेकों बार सपा के विभिन्न पदों पर अरूढ़ रहे। जनेश्वर मिश्र हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनका अरुण अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जनेश्वर मिश्र जैसी शख्सियत होना मुश्किल है। उन्होंने प्रदेश व देश के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान दिया, जिसके लिए प्रदेश उनका आभारी रहेगा। भाजपा की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी की कोरोना संक्रमित होने की खबर पर चुटकी लेते हुए व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि यह एक महज राजनीति ड्रामा है। सपा की एक महिला उम्मीदवार संगीता कोरी के चेयरमैन पद पर नामांकन को लेकर अभी तो महज भाजपा की मंत्री जी ही क्वारंटाइन हुई हैं। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो पूरी भाजपा ही होम क्वारंटाइन में चली जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल पर सचिव ने बताया कि हमें वैक्सीन पर संदेह नहीं है, बल्कि भाजपा की कथनी और करनी पसंद है। जनेश्वर मिश्रा जी के पुण्यतिथि पर आपका क्या कहना है? जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, जनेश्वर मिश्रा जी समाजवाद के ध्वजवाहक थे और समाजवादी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी वर्गों का समावेश है। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो उच्च राजनीतिक आदर्शों की प्रतिपूर्ति थे और आज देश में उनके आदर्शों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जनेश्वर मिश्रा जी 7 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और 7 बार मंत्री रहने के बावजूद भी उनके पास अपना बंगला और अपनी गाड़ी नहीं थी। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए इस प्रदेश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, जो भाजपा की सरकार जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा देकर सरकार में आए हैं, इन लोगों से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने प्रधानों की चल अचल संपत्ति की जांच कराई है, ठीक उसी प्रकार से जो इनकी कैबिनेट में के मंत्री हैं, जो इनकी सरकार में मंत्री बैठे हैं और इनकी पार्टी की जो वर्तमान विधायक हैं, इनकी चल अचल संपत्ति की उसी प्रकार से जांच कराई जाए और उनके जितने लोग भी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं या जितनी इनकी चल अचल संपत्ति जो पाई जाती है अवैध, उसे सारा सरकार उसमें अटैच करे। और अगर इन्होंने भेदभावपूर्ण काम किया कि छोटे जनप्रतिनिधियों और बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच में यदि भेदभाव किया तो हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनकी जो चल अचल संपत्ति है, जो भ्रष्टाचार से इन्होंने कमाई संपत्ति है, उसका ब्यौरा लेकर जनता की अदालत में जाएंगे।